भव्य हिंदी नाट्य महाभारत का मंचन उपराजधानी में होने जा रहा है। नाट्य मंचन के प्रमोशन के लिए इस नाटक से जुड़े कलाकारों ने एक साथ शहर में दस्तक देते हुए पत्र परिषद में मीडिया से चर्चा की, जिसमें महाभारत नाटक के लेखक निर्देशक पुनीत इसार प्रमुखता से उपस्थित थे। 3 घंटे 90 कलाकारों का भव्य नाटक का मंचन उपराजधानी के इंदौरा स्थित मानकापुर स्टेडियम में होने जा रहा है। महाभारत इस भव्य नाटक के लेखक और निर्देशक पुनीत इसार है। इस नाटक के माध्यम से भारतीय सभ्यता से दर्शकों को रूबरू कराने की बात पुनीत ने शहर में आयोजित पत्र परिषद में कही। हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, एक ये न केवल इसे हम करें कि भाई ये इस कमर्शियल थिंग, नो, तो उन्होंने मेरे ख्याल से नागपुर के सारे स्कूल्स के बच्चों को आई थिंक 4,500 सीटों उन्होंने कुछ अलॉट की हैं उन बच्चों के लिए, तो उन्हें मौका मिलेगा। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं दे मस्ट वॉच इट। और आपको बताऊँ एक बात, देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना वो जेट सेट जनरेशन है, किसी के पास 90 घंटे या 94 आवर्स नहीं है सारी महाभारत एक साथ देखने में। तो 3 घंटे का जो प्ले है आपको 3 घंटे में पूरी महाभारत का आपको सार मिलेगा। और जो यंगर जनरेशन है इन्हें हम इनसे रूबरू कराएंगे हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से। इस नाटक में ऑन स्टेज के 35 कलाकार है, तो वही बैक स्टेज के लिए 35 कलाकारों का जमावड़ा है। इस नाटक के लेखक पुनीत ने दुर्योधन का किरदार भी निभाया है। 3 घंटे चलने वाला ये नाट्य मंचन दर्शकों को लुभाने वाला है। इसकी भव्यता आकर्षक है। ये भव्यता देखने के लिए नागपुर वासियों को पुनीत ने खुद आह्वान किया है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस नाटक को हमें 3 वर्ष लगे हैं इसको तैयार करने में, 2 वर्ष तो मुझे लगे लिखने में और फिर 1 वर्ष लगा इसके पूरे कलाकारों को समेट कर, क्योंकि तकरीबन 45 कलाकार आपको स्टेज पर नजर आएंगे। 24 मेन कलाकार हैं, तो उनकी पूरी परफॉर्मेंस, उनके डायलॉग डिलीवरी उनको तैयार किया गया, फिर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया, इसका टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया गया, तो बहुत ही इसकी जो LED स्क्रीन्स का जो काम है बहुत ही भव्य पैमाने पे हमने किया है और इसकी रिहर्सल चलती है, हम लगातार इसकी शोज कर रहे हैं। और ये छोटा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता जी, आप मानोगे नहीं, जो बैक स्टेज टीम है 40 लोगों की बैक स्टेज टीम है। आज ये हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं राम भाई गुंजन जी ये जो लगे हुए हैं, साउंड मेरे टेक्निकल टीम यहाँ पे आई हुई है, वो आपके ऑडिटोरियम में गई है, वहाँ पे हमें लाइट्स चाहिए होंगी, इतनी सारी लाइट्स चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, वहाँ पे LED स्क्रीन लगेंगे। तो ये पूरी तैयारी, ये केवल खाली हमें परफॉर्म नहीं करना है, इट्स अ मैग्नम ओपस और ब्रॉडवे शो। 24 तो कलाकार हैं और बाकी जो सैनिक हैं और जो जूनियर आर्टिस्ट हैं डांसर्स हैं सब मिलाकर 45 से 50 आपको लोग, आपको कलाकार पर्दे पे आपको मंच पर नजर आएंगे। ये पूरे 3 घंटे का शो है जी। इस प्रेस के दौरान नाटक में भीम का किरदार निभाने वाले कलाकार ने अपने किरदार की एक झलक भी मीडिया के सामने रखी। उनके वक्त का मैं लहू पीऊंगा ये संकल्प उठाया है और नग्न द्रौपदी को जिसने अपनी चंगा पर बिठाने की बात कही, एक पापी की चंगा न तोड़ी तो क्षत्रिय मेरी जात नहीं। तुम दोनों दुष्टों को तीनों लोग बचाना पाएंगे। मेरी क्रोध की अग्नि में सब धूं धूं कर जल जाएंगे। भव्य नाटक महाभारत के 2 शो मानकापुर स्टेडियम में होने जा रहे हैं। मंचन दोपहर 4:30 बजे तथा रात 8 बजे होगा। इस प्रेस के दरमियान नागपुर मीडिया ने पुनीत को नाट्य मंचन के लिए शुभकामनाएं दी, तो वहीं पुनीत और अन्य कलाकारों ने नाट्य मंचन देखने के लिए ऐलान किया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।